Hey guys, welcome back to my channel. तो आज हम लोग एक बहुत ही मस्त सा पेपर डॉल्स के लिए घर बनाएंगे. पेपर डॉल्स आपको बाद में दिखाऊंगी विद दिस स्टफ जो कि एक सरप्राइज है. धीरे धीरे हम जब घर बनाते जाएंगे तो ऐड करते जाएंगे. डोंट वरी, मैंने ये बनाया नहीं है, ये पुराना था, ये मैंने ही बनाया था. तो इसका गेट जो है ये थोड़ा पुराना हो गया इसलिए अजीब दिखता है. तो आई हैव थॉट ऑफ मेकिंग अनदर वन. ये इस तरीके से खुलता है इसका गेट. नेक्स्ट ये बाथरूम आ जाता है विद वेलकम रिटन नियर ऑन इट. तो यहाँ पे सोप रखने की और ऑयल रखने की जगह थी, यहाँ पे लोग नहाते थे. तो जिस कैन बी लाइक ओपन लाइक इस तरीके से. नेक्स्ट पेज में आ जाता है हमारा ड्रेसिंग रूम. तो यहाँ पे तो है ये ड्रेसिंग रूम था. यहाँ पे डॉल सारी स्टेज होती थी और यहाँ पे सारे उनकी ड्रेसेस होती थी. दैट स्विमिंग पूल और ये जगह थी फ्रिज, यहाँ पे खाना रखा रहता था. सो दिस डज नॉट लुक दैट गुड. सो आई हैव थॉट ऑफ मेकिंग अनदर वन विच इज स्क्वायर शेप्ड. तो मैंने इसको जोर जोर लिया है, सिर्फ 4 पेजेस किए हैं मैंने, बिकॉज अब मैं इनका बेडरूम भी बनाऊँगी. तो हमने ये कैसे किया था वो है कि हमने ऐसे 2 पेजेस ले लिए थे. ये हालांकि मोटे हैं बट इसके ऊपर हम स्टिक करेंगे तो ये थोड़े से अजीब दिखेंगे, फट भी सकते हैं, इसलिए मैंने इन टाइप के 2 पेजेस को एक साथ ऐसे चिपका लिया. अब ये 2 पेजेस मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें इनकी बहुत सारी एक्सेसरीज बनानी होंगी जैसे कि बाथ टब एंड ऑल, इसलिए मैंने ये पेजेस लिए हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द गेट. तो गेट आप चाहे तो कर्व भी रख सकते हैं, सर्कल भी रख सकते हैं, मशरूम शेप भी रख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं. मैं इस बार कर्व रखूँगी थोड़ा सा. तो हमें कितनी विड्थ चाहिए गेट की, कितने वो चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं. तो मैं रख रही हूँ 2.5. मैं 2 सेंटीमीटर्स रख रही हूँ. तो मैं 2.5 रख रही हूँ. तो गाइस मैंने 3 सेंटीमीटर्स का रखा है इसे, क्योंकि उसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 1.5 1.5. और मैंने गेट की लेंथ जो है वो रखी है 4 सेंटीमीटर्स. अब हम लोग, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ किस तरीके का आएगा इसमें स्ट्रक्चर. मैं ऊपर से इसको कर्व रख रही हूँ, बाकी साइड से रेक्टेंगल रख रही हूँ, तो ये थोड़ा सा अजीब दिख सकता है. तो इस गेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा. ये बीच से हम लोग काट देंगे और बाकी पूरा साइड कलर कर देंगे. सो दैट विल बी द स्ट्रक्चर. अब हम लोग एक्स्ट्रा लाइंस को जो है मिटा देंगे बिकॉज वी डोंट नीड देम. एंड अब हम लोग इस पर कलर करना स्टार्ट करेंगे. तो मैंने एक्स्ट्रा लाइंस इरेज कर दी हैं. ये इस तरीके से कुछ गेट बनेगा. नाउ लेट्स कलर देम. तो अगर आपका कलर बाहर निकल जाता है नो प्रॉब्लम, बिकॉज आप बाद में काटेंगे ही. आप अपने चॉइस से कोई भी कलर रख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ डार्क ब्लू. सो गाइस कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है और आपकी
आपको बड़ी चीजें ज्यादा पसंद है या छोटी छोटी? आई लव मेनी थिंग्स। Hey guys, so we are ready with our games. Guys, आपको एक चीज बताऊं? आपको पता है कि मैं मोस्टली जमीन पे या टेबल पे क्यों करती हूँ ऐसी चीजें? क्योंकि अगर हम लोग बिस्तर पे करेंगे तो रात को हमें वही चीजें सारी चुभेंगी, बिकॉज हम लोग कभी कभी झाड़ना भूल जाते हैं या फिर कुछ छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं जो फिर हमें बाद में परेशान करती हैं। इसीलिए मैं मोस्टली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी क्राफ्ट करें तो उसको टेबल पे या फिर जमीन पे करें। गाइस, तो हमारे मेरा फर्स्ट जो साइड है वो रेडी है। कि गेट जो है मैंने, अब मैं इस पर लॉक नहीं लगाऊंगी बिकॉज इट लुक्स अ लिटिल वियर्ड। तो मैंने इसके कोने के ये वाला पार्ट जो है गेट का, इसको चिपका दिया था एंड ग्लू से, एंड बाकी साइड मैंने खुली रखी थी, नहीं तो ये वर्क नहीं करता। एंड बाकी मैंने इसमें ग्रास एंड क्लाउड्स बना दिए हैं एज यू कैन सी। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे वेलकम। दैट्स टोटली ऑल राइट गाइस। नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखेंगे वेलकम। तो हम लोग इस पे बहुत ही आराम से लिखेंगे वेलकम। 3, 2, 1। गाइस, आई थिंक मैंने इसमें जैसे लिखा, ओह गॉड गाइस, मैंने इसमें जैसे लिखा था इसमें जैसे लिखा था ऑलमोस्ट सेम है। द थिंग इज आई डिडंट इवन लुक। मैं इसमें पर्पल करा दूंगी। अब हम लोग पहले जगह पे बनाएंगे बाथरूम। आई नो इट फील्स वियर्ड पहले जगह पे बाथरूम बनाने में, बट आई थिंक इट लुक्स मच कंफर्टेबल। और मे बी वील मेक अ बेडरूम। तो बेडरूम बनाने के लिए सबसे पहले, ओप्स, एक मिनट, तो बेडरूम बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस बेड की शेप काटनी है। तो मैं यूज पेपर को ही यूज़ करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट पेपर। तो आप जिस तरीके से बेड रखना चाहें उस तरीके से रख सकते हैं। I'm making a bed for two.
तो गाइस मैंने यहाँ पे दो बेड्स बना लिए हैं। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कलर देम ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे ग्रे कलर करूँगी। अब जो कलर करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिलोस जो है उनको दिया है डार्क ग्रे कलर, एंड जो नॉर्मल बेड है उसको मैंने लाइट ग्रे कलर दिया है। नाउ गाइस टाइम फॉर कटिंग इट। गाइस देखिए जो ये जो कलरफुल दिख रहा है आपको, ये जो है ब्लैंक फोल्ड है और दोनों बाकी बेड्स हैं। तो ये हमारा बेडरूम रेडी है। नेक्स्ट है हमारा वॉशरूम। तो वॉशरूम के जस्ट बाद हम लोग ड्रेसिंग रूम करेंगे। हालांकि मैं अभी लिख नहीं रही हूँ, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले टब बनाएंगे। तो टब ऐसे बनाएंगे हम, हमें एक कर्व सी वो काटनी है, लाइक काइंड ऑफ अ सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। सो लेट्स डू इट। सो गाइस इस तरीके से मैंने दो ये बना लिए हैं एंड आई एम जस्ट गोना कट इट। तो मैं इसलिए कट करूँगी बिकॉज दो इसलिए मैंने बनाए हैं बिकॉज देर लाइक देर बी टू टू और लाइक फोर डॉल्स। तो बट वॉट आई थिंक इज दैट वी कैन मेक वन। तो मैं दूसरा इरेज कर रही हूँ, एक जो अच्छा बना है जिसको मैं कीप दैट। गाइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने तो फोर डॉल्स बनाई हैं और उन्हीं के हिसाब से कपड़े बनाए हैं। तो लेकिन आप जितनी बनाएंगे, आप एक बनाएंगे तो एक के लिए और दो बनाएंगे दो, जितनी भी आप बनाएंगे उसके हिसाब से आप क्या जो बोलते हैं बुक का साइज और उसकी चीज़ों का साइज प्लस उसकी चीज़ों की क्वांटिटी वो कर सकते हैं। सो आई लव मिनिएचर थिंग्स स्पेशली मेकिंग देम, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग देम। अगर आपके इस तरीके से कुछ पेंसिल के निशान रह जाते हैं लीव इट, हम लोग दूसरी साइड से इसको स्टिक करेंगे। तो ये अभी वाइट लग रहा है सो पूरा अच्छे से दिखेगा नहीं, तो विल जस्ट एड बॉर्डर्स टू इट। गाइस कमेंट बिलो इफ यू लाइक रोबोट्स। आई लव देम स्पेशली स्मॉल वंस, बट छोटे वाले अभी आए नहीं हैं। डू यू बिलीव इन फेरीज? आई डू। बट आई ओनली बिलीव इन थिंग्स विच आई हैव सीन मोस्टली। There's too much of glue out. So guys, हम लोग टब को इसकी जगह पे स्टिक कर देंगे। तो गाइस मैंने जो टब की शेप बनाई थी मैंने उसके यहाँ वाली साइड ही देखिए यहाँ पे किया नहीं है, बिकॉज अगर हम लोगों को अपनी डॉल्स को नहलाना होगा तो हाउ विल वी कीप देम इनसाइड। टाइम टू मेक अ टैप। तो यहाँ पे मैं टैप बनाऊंगी जहाँ से पानी आ रहा है, एंड आई विल ऑल्सो मेक अ शार्क।
There we go, guys. तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बाथरूम. आई एम राइटिंग इट ऑन द टॉप, नॉट एज बिफोर ऑन लाइक इन द मिडल. सो गाइस, नेक्स्ट, नाउ इट्स टाइम टू मेक द बास्केट वेयर वी कीप द सोप एंड द टॉल. तो मैं इसको ऐसे ही कट कर रही हूँ बिकॉज लाइक आई हैव प्रैक्टिस ऑफ इट एंड आई नो हाउ मच आई नीड टू कट. मैं इसको भी थ्री साइड से, कोई भी थ्री साइड से आप चाहो तो इसको लाइक इस पर ग्लू लगा सकते हो. जैसे लाइक अगर स्क्वायर है तो कोई भी थ्री साइड चलेंगे हो, या सर्कल है तो भी. बट अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसके लिए आपको देख के करना है कि आपको कौन सी एक साइड ओपन रखनी है. मैं ये थोड़ी सी बड़ी जगह बना रही हूँ, सो वी कैन कीप द सोप एंड द टॉल बोथ इनसाइड. नाउ लेट्स मूव ऑन द ड्रेसिंग रूम. ड्रेसिंग रूम में हमें कुछ नहीं करना है, इट्स रियली ईजी. अंटिल देन वी लेट द बाथरूम ड्राई. उसके बाद हम लोग इसमें कुछ और करेंगे. ओ लेट मी वेट मेक द वाइपर. ओके नाउ तो हम लोग ऊपर लिख देंगे ड्रेसिंग रूम. एंड यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है. पिछली बार मैंने एक गलती की थी कि जो मैंने जहाँ पे भी ड्रेसेस चिपकाई थी ना, वो साइड में मैंने टेप नहीं लगाया था, क्लियर टेप. क्योंकि अगर मैं वो नहीं लगाती तो जो मेरा जो डबल साइडेड टेप है वो पेपर पे चिपक जाता है, फिर वो पेपर उसके ऊपर आ जाता है. सो दैट मीन्स द ड्रेस इज अनस्टिकी. तो इस बार आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट मिस्टेक. आई एम गोइंग टू मेक द ड्रेसिंग रूम. तो उसके लिए आई नीड द टेप. फाउंड इट. तो मैं टेप थोड़ा सा लंबा निकालूंगी एंड आफ्टर दैट आई एम गोना स्टिक इट इनटू पीसेस. Guys, be careful with the scissors. Not to cut your hands. Guys, अगर आप जितनी भी डॉल्स बना रहे हो तो जो भी रूम है वहाँ पे आप फॉर श्योर जहाँ पे भी आप नई डॉल्स को खड़ा करोगे वहाँ पे टेप ज़रूर लगा देना. अदरवाइज द थिंग इज दैट योर डॉल्स विल नॉट बी एबल टू बी स्टिक्ड एनीवेयर. इट्स सो वियर्ड. सो जहाँ पे भी आप अपनी डॉल्स को रखोगे वहाँ पे प्लीज़
श्योर कि वहाँ पे टेप लगा हुआ हो, इवन इफ इट्स द ड्रेसिंग रूम, इवन इफ इट्स द बाथरूम, इट्स एनीथिंग, जस्ट मेक श्योर कि जहाँ पे भी आपकी डॉल्स हैं वहाँ पे आप बस ये लगा रहे हो टेप, अदरवाइज दे'ल आल्सो जस्ट वांट स्टिक एंड ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू हैव, राइट? सो ओह हाँ गाइस, आई वाज जस्ट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, द थिंग इज कि मेरे पास कुछ और पेपर डॉल्स हैं जिनका मैं सोच रही हूँ कि आई जस्ट मेक वन वीडियो ऑफ देयर हाउस टू, विद लाइक देयर दिस बिग, एंड आई वांटेड टू आस्क यू गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं उनका भी घर बनाने की वीडियो आप भेजूँ, सो जस्ट कमेंट बिलो, दी did to have a lot of dresses, they love wearing different dresses, so if you want me to make a video on that, just comment below. I have 4 to 5 dolls in that way. So guys, our dressing room is ready. Now, all we need to do is just take the dresses. Finally, it's time for you to see. Guys, are you ready to see my dolls and my dressing room? Ta-da! I hope you love it. I also added a towel and the soap in the bathroom. Up! Finally! It's time to make the food room. So, I have a thali, some chips and some water. The water and the chips are not properly available. We are not able to look at them nicely. But I can see the thali. So, we'll make some more things. But first, let's secure the thali with the clear tape. हम जितनी ज़्यादा अपनी चीज़ों को क्लियर टेप से सिक्योर करेंगे उतने अच्छे से होंगी, बट यूज़ योर ओन टेप, डोंट यूज़ योर फादर्स और ही विल स्कोल्ड यू इफ इट्स फिनिश्ड. नाइस, नाउ विल कट ऑफ द एक्सेस. This thali will look more shiny if we cut the excess off. There we go. Now, let's make the kitchen or the food room. So I'll write it as food room. Ta-da! Now let's make the fridge. We'll make a giant fridge this time. So all we need to do is cut that much. So that much will be enough for the fridge, and next is to stick it.
Let's do it. Oh yes, guys. तो हम लोगों ने इसमें यहाँ पे कट लगा दिया है. We'll stick this much part and इतना हम लोग छोड़ देंगे. So what will happen is कि इसे फ्रिज के दो बार्ट्स बन जाएंगे, which will make the fridge a little more real. Let's do it. ऊपर के पार्ट में हम आइसक्रीम रखेंगे और नीचे के पार्ट में थिंग्स लाइक केक एंड ऑल. ऊपर का पार्ट थोड़ा सा छोटा होता है, नीचे का पार्ट थोड़ा सा बड़ा. जस्ट मेक श्योर इट गोज लाइक दैट. Let's close the fridge now because we don't need it. Let's close the blue now because we don't need it. अब हम लोग पेन से फ्रिज का बॉर्डर बनाएंगे. Not the border of the fridge, but the border of the place the fridge is taking, so that we get to know कि हमारा फ्रिज कितना बड़ा है. I'll show you how. There we go. So guys, कुछ इस तरीके से हमारा फ्रिज आ जाएगा. अपर पार्ट लोअर पार्ट गाइस. तो लेट्स मेक द फूड आइटम्स. Let's color it. There we go, guys. Our ice cream is ready. Time to cut it. I think it's too big. Let's make a small one. Guys, there we go. Let's do it. Guys, it's complete. So there we go.